हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2, ब्रिंगिंग अप करी। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर 1, से अलाउड इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। पहला पॉइंट है करी, 5-month-old बेबी एलिफेंट। जो करी है वो 5 महीने का एक बेबी एलिफेंट है। लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर, जो कि बड़ा होता है अपने एक 9 साल के दोस्त के साथ और साथी में कीपर के साथ। करी डजंट ईट मच, करी बहुत ज्यादा कुछ नहीं खाता है। जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे, बल्कि लगभग दिन में एक बार 16 kilograms डिलीशियस यानी काफी स्वादिष्ट ट्विक्स, मतलब कि जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं, जो सॉफ्ट और स्मूथ टहनियाँ होती हैं पेड़ की, नई निकले हुए किल्ले होते हैं, उनको वो खाता है लगभग 16 kilograms। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग। काफ़ी प्लेफुल होता है और काफ़ी सेंसिटिव होता है, साथ ही में करी ने एक बच्चे को डूबने से भी बचाया। चलिए आगे पढ़ते हैं। करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of। करी एलिफेंट जो था वो 5 महीने का था जब वो मुझे यानी कि राइटर को टेक केयर के लिए, देखभाल के लिए मिला। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe। राइटर कह रहे हैं कि मैं उस वक्त 9 years का था और उसकी पीठ तक पहुंचने के लिए मुझे अपने पैर के जो टिपटू यानी कि फिंगर्स होती हैं, पैर के फिंगर्स के ऊपर के सहारे खड़े होना पड़ता था, मतलब उचक के खड़ा होना पड़ता था, तब जाकर के मैं उसके कमर तक पहुंच पाता था। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years, और मेरे लिए 2 year तक वो उतना ही ऊंचा रहा, क्योंकि जैसे जैसे एलिफेंट बड़ा हो रहा था वैसे वैसे राइटर बड़े हो रहे थे, दोनों की ग्रोथ एक साथ हो रही थी, इसलिए राइटर की जो हाइट थी वो 2 साल तक की लगभग उतनी ही आ रही थी। वी ग्रो टूगेदर, हम दोनों साथ में बड़े हुए। दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज, इस वजह से शायद मुझे कभी अंदाजा नहीं लगा कि वो कितना लंबा हुआ। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे राइटर भी बड़े होते गए। ही लिव्ड इन अ पेविलियन, वो कहाँ रहता था, एक पेविलियन में रहता था। अंडर अ थैस्ट, थैस्ट रूफ मतलब घास फूस की बनी हुई छत, यानी कि जिसको हम छप्पर कहते हैं, ठीक है, तो वो एक छप्पर में रहता था। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्प अगेन द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। तो उस जो छप्पर था यानी कि जो घास का लगा हुआ रूफ था, तो वो उसको मोटे मोटे पेड़ों के स्टम्प्स के सहारे, स्टम्प मतलब खम्भे से बना दिए गए थे, पेड़ की मोटे मोटे लकड़ियों के खम्भे बना दिए गए थे और उन पिलर्स के सहारे उसको खड़ा किया गया था, ताकि जब भी करी वहाँ पे मूव करे और उसकी ठोकर लगे तो वो छप्पर उसके ऊपर गिरे नहीं। आगे देखते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय, सबसे पहली चीज जो करी ने की वो ये थी कि उसने एक बच्चे की जान बचाई। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवर्थलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विक्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ। करी बहुत ज्यादा तो नहीं खाता था, फिर भी नेवर्थलेस मतलब फिर भी उसको जरूरत होती थी लगभग 40 pounds ट्विक्स की, 40 pounds लगभग 18 kilograms ट्विक्स की जरूरत होती थी खाने के लिए, और साथ में उसके साथ वो खेलता भी था। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ, हर सुबह मैं उसको रिवर के किनारे ले जाया करता था सुबह के टाइम, ताकि वो नहा सके। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक व्हाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, वो जब मैं उसको नहाने के लिए ले जाता था तो वहीं पर जो सैंड मतलब नदी का किनारा था जो कि बालू से सैंड से भरा हुआ था, उसके ऊपर वो लेट जाता था और मैं उसको घंटों रब करता रहता था उसी सैंड से, ताकि वो साफ हो सके। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वॉटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके बाद वो घंटों तक पानी में अंदर लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी, और जब हम लोग वापस लौटते थे तो वो नहा धो के इतना साफ हो जाता था कि उसकी जो स्किन थी वो बिल्कुल इबोनी की तरह
एकदम साइनी सी दिखती थी। मतलब कि इबोनी क्या है, एक ब्लैक कलर की लकड़ी होती है, काफ़ी चमकीली होती है, बिल्कुल वैसी ही इबोनी की तरह उसकी बॉडी दिखती थी। एंड ही वुड स्क्वेल, ये देखिए ये थैस रूफ है और ये साथ में स्टम्प्स लगे हुए हैं, फोर स्टम्प्स पिलर्स जिसके सहारे ये है, और ये राइटर अपने टिप टू के सहारे खड़े हुए हैं तब जा कर के उसकी कमर तक पहुंच पाते हैं। आगे देखते हैं, विथ प्लीजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं उसके बैक में वाटर को रब करता था तो वो बहुत ही खुशी से आवाज निकालता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, फिर मैं उसके कान पकड़ के उसको लेकर के आता था, क्योंकि सबसे आसान तरीका होता है अगर आप एलिफेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उसके कान पकड़ के उसको चलाएं। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल व्हाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूसियस ट्विक्स फॉर हिज डिनर, अब मैं उसको जंगल के किनारे छोड़ दिया करता था ताकि मैं जंगल में जा करके उसके लिए ल्यूसियस मतलब डिलीशियस स्वादिष्ट ट्विक्स ला सकूं, पेड़ की नई नई टहनियां निकाल के ला सकूं उसके खाने के लिए, उतने समय के लिए मैं उसको छोड़ दिया करता था। वन हैज टू हैव अ वेरी शार्प हैच टू कट डाउन दीज ट्विक्स, हैच मतलब कुल्हाड़ी, बहुत ही शार्प कुल्हाड़ी की जरूरत होती थी उन ट्विक्स को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच बिकॉज इफ अ ट्विक इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नेवर टच इट, तो उसको जो कुल्हाड़ी होती थी उसको शार्प करने के लिए लगभग आधे घंटे का समय लग जाता था, क्योंकि अगर जरा सी भी ट्विक्स कहीं से कटी फटी या टूटी हुई हैं तो एलिफेंट उसको कभी भी नहीं खाएगा, बिल्कुल अच्छे से काट करके उनको लाना होता था ताकि एलिफेंट उसको खा सके। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विक्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी, अब करी के लिए ट्विक्स लेकर के आना इतना ईजी नहीं था, उसके लिए फूड सप्लाई लाना इतना ईजी नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विक्स, अब मुझे हर तरह के पेड़ों के ऊपर चढ़ना होता था ताकि मैं उसके लिए बहुत ही डेलिकेट यानी कि सॉफ्ट जो ट्विक्स हैं वो ला सकूं नई नई निकली हुई। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री विद ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, और वो जो करी था उसको मतलब नई निकली हुई जो बनियान ट्री की ब्रांचेस होती थी, बनियान मतलब बरगद के पेड़ की जो नई नई निकली हुई शाखाएं होती थी बिल्कुल सॉफ्ट सी कोमल सी, वो भी जो कैथेड्रल बनी हुई होती थी उसको खाना बहुत पसंद था। कैथेड्रल मतलब जो दो प्लांट्स ऐसे से मिल करके यहाँ ऊपर एक रूफ सी बना देते हैं, इसको कहते हैं कैथेड्रल। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, एक दिन की बात है मार्च के समय में मैं उसके लिए कुछ ऐसे ही ट्विक्स कलेक्ट कर रहा था। When I suddenly heard करी calling to me in the distance, तभी मुझे अचानक से सुनाई पड़ा करी दूर से मुझे आवाज लगा रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। As he was still very young, अभी भी करी बहुत छोटा था, the call was more like that of a baby than an elephant, तो जब वो चिल्ला रहा था तो बच्चे की तरह उसकी आवाज आ रही थी, एलिफेंट की तरह उसकी आवाज नहीं आ रही थी। I thought somebody was hurting him, मुझे लगा कि कोई उसको चोट पहुंचा रहा है। सो आई कैम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, तो मैं जल्दी से पेड़ों से नीचे उतरा और दौड़ करके उसी जंगल के किनारे पहुंचा जहां पर मैंने उसको छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन करी वहां पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने चारों ओर देखा लेकिन मुझे करी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वॉटर, तभी मैं जब पानी के किनारे पहुंचा एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट द इट्स सरफेस, मुझे ऐसा लगा कि पानी की सतह के अंदर कुछ ब्लैक कलर का है और वो इधर उधर हिलडुल रहा है। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, फिर उसने थोड़ा सा और वो ऊपर उठा तब मुझे जाकर के पता चला कि वो तो मेरे एलिफेंट की सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, मुझे लगा कि शायद मेरा एलिफेंट पानी में डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वॉटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, अब मैं बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि मैं पानी में जंप करके 400 pounds के एलिफेंट को नहीं बचा सकता। भाई राइटर तो छोटे हैं, उनकी बॉडी हल्की है, और एलिफेंट जो है वो छोटा होने के बावजूद भी
उम्र में छोटा होने के बावजूद भी हाइट में और वजन में बहुत ज्यादा है। उसका जो वजन है वो 400 पाउंड्स के बराबर है, तो राइटर तो उसे उठा नहीं सकते हैं, तो राइटर अपने आप में बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे थे। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वॉटर एंड द मूवमेंट ही कॉट माई आई। लेकिन मैंने देखा कि वो जो है उसकी जो पीछे की बैक है वो पानी से बाहर निकली। मैंने देखा ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। तो मैंने देखा कि वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, साथ ही में किनारे की ओर आने की कोशिश कर रहा था। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इन टू द वॉटर। और अचानक से उसने मुझे पानी में खींचने की कोशिश की। एज आई फेल इन टू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं पानी में गिरा, आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लेट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। तभी मैंने देखा कि पानी के बॉटम में सतह पर एक लड़का पड़ा हुआ है बिल्कुल फ्लैट। ही हैड नॉट ऑल टूगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लोट। वो जो लड़का था अभी पूरी तरह से पानी के बॉटम में नहीं गया था, वहीं पे हल्का सा तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वॉटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग। जब मैं थोड़ा सा बाहर पानी से निकला ताकि मैं सांस ले सकूं, तो देखा कि करी पानी के बाहर खड़ा हुआ था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसके जो पैर थे वो सैंड बैंक में छुपे हुए थे। हिज ट्रंक स्ट्रेच आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसने अपनी सूंड को आगे बढ़ा रखा था, मेरा इंतजार कर रहा था ताकि मैं उसकी सूंड को पकड़ सकूं एज अ हैंड की तरह। आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉय ऑफ द ड्रोनिंग बॉय टू द सरफेस। अब मैं फिर से पानी के अंदर डूबा और जा करके उस डूबते हुए बच्चे को वहां से निकाला। नॉट बींग अ गुड स्विमर, मैं बहुत अच्छा तैराक नहीं था। आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। जो पानी का हल्का हल्का करंट था वो मुझे पानी के अंदर डुबो रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, करी वो वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक एंड कम हाफ वे इन टू द वॉटर वेयर आई वॉज आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन। तभी जो करी था, जो कि हमेशा बहुत ही स्लोली चलता था, अचानक से वो एकदम बाज की तरह, हॉक मतलब बाज की तरह, पानी के अंदर आया और आकर के मेरे पास आकर के खड़ा हो गया और अपनी ट्रंक आगे बढ़ाई ताकि मैं उसको पकड़ सकूं। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने भी अपना हाथ उठाया उसको कैच करने के लिए, एंड इट स्लिप्ड, लेकिन वो स्लिप्ड हो गई। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वॉटर अगेन, मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से पानी के अंदर डूब रहा हूं। बट This time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow. In spite of the fact that I was holding the droning boy with my hand. अब मैंने ऐसा महसूस किया कि पानी जो है बहुत गहरा नहीं है, मैं जो सरफेस थी पानी की उस सरफेस तक पहुंच पा रहा था, सतह तक पहुंच पा रहा था। मैंने अचानक से अपने पैरों को जमीन से टच करा करके किक किया और बिल्कुल एक एरो, जैसे कि धनुष से एक बाण निकलता है, बिल्कुल उसी तरह मैं बाहर की ओर निकला और साथ में मैंने उस लड़के का हाथ भी पकड़ा हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबव द वॉटर आई लेफ्ट अ लासो अराउंड माई नेक, जैसे ही मेरी बॉडी पानी से बाहर निकली मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरी गर्दन पे कुछ लपेट रखा है। दिस फ्राइटेंड मी, मैं डर गया, मुझे लगा कि कोई वाटर एनिमल है जिसने मेरे चारों ओर से राउंड राउंड कर रखा है। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वॉलो मी, मुझे लगा कि कोई वाटर एनिमल मुझे निगलने जा रहा है, जैसा लगा जैसे कोई सांप वगैरह मेरे गले में आ गया है। आई हर्ड करी स्क्वेलिंग, लेकिन तभी मैंने सुना कि करी की आवाज, एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो कुछ और नहीं बल्कि करी की ट्रंक थी, उसकी जो सूंड थी वो उसने मेरे गले के चारों ओर लपेट रखी थी ताकि मैं डूब ना सकूं। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, उसने हम दोनों को ही किनारे तक खींच लिया। तो यहां तक था आपका पार्ट वन, बाकी का बचा हुआ पार्ट टू में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। सो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।